यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं बात सफाई कर्मचारियों की करें तो सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। आज 14वां दिन सफाई कर्मियों के इस हड़ताल का हो गया है। पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है, जिससे राज्य में जगह जगह कूड़े के ढेर अब नजर आने लगे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फतेहाबाद, मेवात, रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर सफाई कर्मचारी डटे हुए हैं हड़ताल पर और उनकी ये हड़ताल लगातार जारी है। सफाई कर्मियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, उनका ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा, उनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। हालांकि अब सफाई कर्मचारियों की ओर से रणनीति में भी बदलाव किया जा रहा है। मंत्रियों के आवासों पर जाकर शंखनाद भी सफाई कर्मचारी अब कर रहे हैं और ऐसे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 14वां दिन आज है, जिसके बाद में आपको बताने की लगातार उनका ये रोष अब बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सफाई व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमराई हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर अब नजर आने लगे हैं। कूड़ा प्रदेश में तब्दील होने लगा है अब हरियाणा प्रदेश। तो सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। आज 14वां दिन उनकी इस हड़ताल का हो गया है। लेकिन सफाई कर्मचारियों की आखिर मांग क्या है, क्यों इतने समय से हड़ताल कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ये उनकी प्रमुख मांग है और इसके अलावा उनकी मांग है कि समान काम समान वेतन हो। ये मांग भी सफाई कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। साथ ही ठेका प्रथा खत्म करने की मांग भी की जा रही है कि ठेका प्रथा खत्म कर स्थायी भर्तियां हो, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, ये भी मांग जो है सफाई कर्मियों की ओर से की जा रही है। इसके अलावा न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने की मांग भी सफाई कर्मी कर रहे हैं, 15,000 कम से कम करने की मांग कर रहे हैं और नौकरी के दौरान कर्मचारी की मौत पर उसके परिजन को नौकरी मिले, ये भी मांग सफाई कर्मियों की ओर से की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, नूह से हमारे संवाददाता कासिम खान फोन लाइन पर हैं। कासिम खान, 14वां दिन आज हो गया है सफाई कर्मियों की हड़ताल का, किस तरह से गतिरोध जो है देखने को मिल रहा है मेवात में, नूह में? अवंतिका, जहां तक सफाई कर्मचारियों की और दमकल कर्मचारियों की हड़ताल की बात करें तो आज 14वां दिन है और भूख हड़ताल का जो दिन है वो दूसरा दिन है। बीते कल भूख हड़ताल शुरू हुई थी, 3 कर्मचारी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे और आज 2 कर्मचारी, उनकी हड़ताल जैसे ही समाप्त हुई है तो 2 अन्य कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लगातार इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के अलावा कांग्रेस के नेताओं का यहाँ सहयोग सफाई कर्मचारियों को मिल रहा है। आज अगर नूह की बात करें तो असरो कर्मचारी संघ के कई अन्य महकमों के जो कर्मचारी हैं वो उनको समर्थन देने के लिए नगरपालिका कार्यालय नूह में पहुंच रहे हैं। जो हड़ताल है वो 14 दिन से लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर जहां तक हड़ताल की बात करें तो शहर जो है वो कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरह से और एक महामारी फैलने का खतरा अब मंडराने लगा है। जिला प्रशासन की तमाम कोशिशें सफाई कर्मचारियों को मनाने में असफल हो रही हैं, क्योंकि प्रदेश स्तरीय ये हड़ताल है और पूरे प्रदेश भर में ये हड़ताल चल रही है और अभी तक सरकार से कोई सफल वार्ता सफाई कर्मचारियों के नेताओं की नहीं हो पाई। जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सफाई कर्मचारियों के प्रधान विमल किशोर हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हेलो जी विमल, अभी क्योंकि 14वां दिन हो गया है आप लोगों की हड़ताल का, ऐसे में क्या हड़ताल खत्म कराने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, बातचीत के लिए एक बार फिर से कोई प्रयास हो? सरकार हड़ताल माफ करने के बजाय धक्का दिखा रही है, तानाशाही दिखा रही है जी। मतलब लाठियां चलाई जा रही है सफाई कर्मचारियों पे, महिलाओं पे, टोटली मतलब तानाशाही दिखा रही है सरकार। कोई बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही। एक ही बात है, अभी हमारे को समान काम समान वेतन क्यों नहीं लागू करते जो कोर्ट के आदेश? नहीं, कोर्ट के आदेश है लेकिन आपकी ओर से मांग ये लगातार उठाई जा रही है और इसी मांग को लेकर 14 दिन से आप हड़ताल पर हैं, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से मांग नहीं मानी जा रही है आपकी। सरकार तानाशाही दिखा रही है ना, अपने पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की देखरेख में खुद सफाई कर रहे हैं, देखते हैं कितने दिन कर पाते हैं ये लोग साहब, देखते हैं सीवर में भी घुस पाएंगे या नहीं घुस पाएंगे, दिखावा कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, हम सफाई स्वयं कर रहे हैं। कुछ तथाकथित समाज सेवी अपने आप को सफाई करते हुए दिखा रहे हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं ये लोग, सीवर में घुसेंगे क्या, नालियां भी साफ करेंगे क्या, ये फोटो खिंचवा रहे हैं। अब आपकी ओर से क्योंकि अब अनशन जो है वो भी शुरू कर दिया गया है, भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, इससे पहले हड़ताल लगातार आपकी जारी ही है, कामकाज बंद है, ऐसे में आगे क्या कुछ रणनीति अब रहने वाली है क्योंकि सरकार की ओर से सुनवाई फिर भी नहीं हो रही है आपकी? आगे सर्व कर्मचारी संघ हमारे को समर्थन दे रहे हैं, चक्का जाम भी होगा, बिजली वाले भी, रोडवेज वाले भी, सभी सर्व कर्मचारी संघ
सहयोग कर रहे हैं, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है, सरकार की जड़ें हिला देंगे। सरकार की जड़ें हिलाने वाला इतना बड़ा आंदोलन ये होने वाला है। भिवानी से हमारे संवाददाता सुमित कुमार फोन लाइन पर है। सुमित, सरकार की जड़ें हिलाने वाला आंदोलन जो है ये होने वाला है सफाई कर्मियों का, ये बात कह रहे हैं हमारे साथ सफाई कर्मचारियों के प्रधान फोन लाइन पर हैं। भिवानी में किस तरह से ये आंदोलन नजर आ रहा है सफाई कर्मियों का? देखिए, भिवानी की अगर मैं बात करूं, अवंतिका, भिवानी में भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा, चाहे वो नियमित कर्मचारी थे चाहे जो ठेकाधार पर लगाए गए कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों के द्वारा लगातार आज 14वें दिन में उनका जो उनकी हड़ताल है वो प्रवेश कर चुकी है। कल पीएलपी लीडर किरण चौधरी उनके धरने के बीच पहुंची थी, आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को, उनके मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर मंच पर उनके साथ हैं। बाकायदा ज्ञापन पत्र भी दिया गया था किरण चौधरी को, पीएलपी लीडर को, साथ ही जो स्थानीय जो हड़ताली कर्मचारी उनके द्वारा, और एक बात उनके द्वारा भी कही गई है कि सरकार अपने चहेतों को इको ग्रीन कंपनी के जरिए लाभ पहुंचाना चाहती है। ये भी बात कही गई है कि आंदोलन तेज किया जाएगा किसी भी तरह से, और जो जिस तरह से अभियान चलाया गया है प्रशासन के द्वारा, सफाई अभियान, चाहे नगर परिषद की बात की जाए, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात की जाए, उस पर भी तल्ख टिप्पणी जो है जो हड़ताली कर्मचारी उनके द्वारा की गई, उनका कहना है कि सफाई तो सफाई कर्मचारी ही करेंगे, डीसी या जो चेयरमैन के झाड़ू उठाने से कुछ नहीं होगा। उधर दूसरी तरफ अगर जिला प्रशासन की मैं बात करूँ, नगर परिषद प्रशासन की बात करूं, तो 200 कर्मचारी भर्ती किए जाने की बात कही गई है। भर्ती करने की बात कही गई है सुमित, इसके साथ ही क्योंकि सरकार की ओर से भी, सरकार के कई मंत्री जो है वो आगे आए थे कि सफाई करेंगे, हम खुद जो है झाड़ू उठाई गई थी, ऐसे में भिवानी में क्या उसका असर दिख रहा है, क्या सफाई होती नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर भिवानी की बात करूँ, रातों रात पिछले करीबन 4 दिन से सफाई करवाई जा रही है। रविवार के दिन भी दिन में सफाई करवाई गई थी, कूड़ा उठाया गया था। हालांकि आबादी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, लोग कूड़ा ज्यादा फेंकते हैं, लोगों से बार बार अपील भी की गई है कि कूड़े को एक जगह पर डालें। लेकिन सफाई होती भी नजर आ रही है अब। बिल्कुल, सफाई होती नजर आ रही है। अब क्या करेंगे सफाई कर्मचारी, क्योंकि सफाई के लिए सरकार के मंत्री खुद बेड़ा उठाकर आगे आ गए हैं, और ऐसे में सफाई अब होने लगी है प्रदेश में। हमारे संवाददाता बता रहे हैं, भिवानी में सफाई होती नजर आ रही है, सफाई हो रही है। वो कुछ जो लोग हैं भाड़े पे लेके सफाई कर्मचारी जो हैं उनसे कराई जा रही है। कोई मंत्री सफाई नहीं कर सकता, ये उठाएंगे गन जो माउथ मुंह पे अपना गिलास ठेका देकर तो सफाई करवाई जा रही है सरकार की ओर से, यानी कि आपके आगे झुकने वाली नहीं है सरकार। नहीं, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, संघर्ष की जीत होगी, आंदोलन की जीत होगी, चाहे कितना भी समय लग जाए। अगर ऐसे में सरकार की ओर से आदेश दे दिए जाते हैं नई भर्तियों के, तो क्या उसके लिए तैयार हैं आप? क्योंकि सरकार 14 दिन हो गए हैं, अभी तक तो सरकार की ओर से आपकी मांगे मानी नहीं गई हैं। सरकार तानाशाही तो दिखाई रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी सरकारी बिजली ब्लैकआउट कर देंगे, रोडवेज कटक का जाम कर देंगे, फिर क्या करेगी सरकार? सरकार नहीं चला पा रही, तो जल्दी छोड़ दो ना, अपने चुनावी वादे क्यों करे थे इन्होंने? समान वेतन देंगे, समान काम पे समान वेतन देंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, झूठे वादे करके सरकार आई है, वायदा पूरा नहीं कर रही, तो सरकार छोड़े चोर को आने दे। जी, हमारे साथ पुरुषोत्तम जो है सफाई कर्मचारियों के नेता, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी पुरुषोत्तम जी, सरकार की ओर से अभी तक आपकी मांगे नहीं मानी गई हैं, 14 दिन आज हो गए हैं, आगे किस तरह से आवाज उठाने वाले हैं सफाई कर्मचारी? देखिए मैडम जी, आज हमारा हड़ताल अगर जो है 14वां दिन है, लेकिन सरकार बिल्कुल तरफ से बेरुखी अपनाई हुई है, और जो सरकार ने हमारी आगे बातें नहीं मानी, तो जो हमारा जो आंदोलन है ये भूख हड़ताल की तरफ जाएगा। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा इनको शुद्ध बुद्धि दे, और जो ये गरीबी समाज है, इनकी जो 18 सूत्री जो नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से जो 18 सूत्री मांग पत्र दिया है, उस पर सरकार बात करे। जी पुरुषोत्तम, आपने कहा कि भूख हड़ताल की तरफ आपका आंदोलन जाएगा, 2रा दिन आज हो गया है, भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है सफाई कर्मियों की ओर से। हाँ जी जी, इसके बाद क्या लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी? अब ऐसा है मैडम जी, हमारा काम संघर्ष करना है, सरकार ने सोचना है हमारी बातें मानती है या नहीं मानती है, अगर जो ये बातें नहीं मानी तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ में। विमल किशोर, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ में। सुमित, क्या लगता है कि गतिरोध खत्म होगा ये? चलिए, संपर्क टूट गया है, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार देखने को मिल रही है, 14वां दिन आज हो गया है, लेकिन सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म नहीं हो रही है, पीछे हटने को तैयार नहीं है सफाई कर्मचारी, और उन्होंने साफ कर दिया है, जिस तरह से सफाई कर्मचारी के प्रधान ने कहा